अच्छा ये बताइएगा, मेकाल के मनी बैक गारंटी का जो रिस्पांस था आपकी तवक्कुआत के मुताबिक रहा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा भी नहीं। इस पर जरा तवक्कुआत बात तो कीजिए। बहुत ज्यादा थी उससे, अच्छा और अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आ सकी अच्छा ठीक है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। वजह क्या रही, आप क्या वजह देखते हैं? आई थिंक मुझसे पर्सनली पूछे तो दो तीन थी। एक तो बिकॉज वो सोशल सैटायर था और वो हमारे ऊपर ही था, तो मुझे एक तो लगता है कि यहाँ पर हम बिल्कुल ना अपने ऊपर बात नहीं सुन सकते, मतलब सही है। तो हमें अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात थी, लेकिन उस फिल्म की मुझे अच्छी बात ये लगती थी कि उसमें हर किसी पे बात की थी। सही है। हर मतलब उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे हमने पाकिस्तान के रीजन्स और रीजनल हाँ लोग जी दिखाए बिल्कुल। थे, तो उसमें अगर पठान पंजाबी को कुछ कह रहा है तो पठान सुन भी रहा था, तो वो मुझे लगता है एक तो सही है। खुद बात अपने ऊपर लेना लोगों को नहीं पसंद आता, दूसरा ठीक है। आई फील मे बी टू मच था फिल्म में। अच्छा बहुत बड़ी कास्ट थी और अच्छा हैवी बहुत कास्ट। सारे पंचेस भी थे और जोक्स भी थे, और बहुत इंटेलिजेंट फिल्म थी। आई मीन मुझे पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आई थिंक जब आप एक पब्लिक के लिए काम करते हो तो आपको एक जनरल कंसेंसस जो सबका ओपिनियन होता है उसी पे आपको जाना पड़ता है। सो सही है। आई नो देर देर पीपल हु एब्सोल्युटली लव्ड इट, और देर पीपल हु जिनको बिल्कुल नहीं समझ आई। बिल्कुल सही है। सो जो आपका सवाल था, तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा थी। मैं तो सोच रहा था कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, सही है। और मेरा पार्टनर जो था वो माशाल्लाह 500 करोड़ सोच रहा था। तो अच्छा एंड सही में है। आई डोंट रिमेम्बर द फाइनल बॉक्स ऑफिस फिगर, लेकिन आई थिंक 20-25 समथिंग लाइक दैट, अच्छा ठीक है। एंड इट एंडेड अप बीइंग अनफॉर्चुनेटली अ टोटल लॉस। तो बिल्कुल भी आप अच्छा को एक्सपीरियंस नहीं प्रोड्यूसर था भी थे, कितना जी। धचका लगा फिर आपको? ठीक ठाक ठीक ठीक ठाक, ठाक अच्छा खासा लगा। अच्छा खासा बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुए तो खासा। मजनबी भी नहीं चल सकी। वो भी उसी दिन पे आई। एक वजह मनी बैक गारंटी की चलने की ना चलने की ये भी थी कि अपनी ही फिल्म सामने खड़ी हाँ हुई थी, सही है। और मैंने हालांकि रिक्वेस्ट भी बहुत की थी सही है। कामरान भाई से, लेकिन ही वांटेड टू रिलीज। कितना बट आई एम मुश्किल। प्राउड ऑफ बोथ। मैं तो ऐसा नहीं है, मुझे खुशी थी हर जगह जो है ना। मेकाल नजर आ रहा है। हाँ दोनों फिल्मों में जो है ना ग्रेट गामा के हवाले से हमें कुछ बताएं, कहाँ तक पहुंची है वो, उसकी स्टोरी वगैरह। जी, ग्रेट गामा जो है एक माशाल्लाह बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो मेरे भाई शायान ने जो है इनिशिएट करवाया, और वो हम नासिर अदीब साहब से जी लिखवाई आप है लिखवाएं। स्क्रिप्ट, ठीक है। और बहुत ही अनबिलीवेबली आउट क्लास स्क्रिप्ट लिख दिया उन्होंने। अच्छा मजा आ गया पढ़कर। कास्ट में नहीं हमें कुछ कास्ट अभी तो बताएंगे? बहुत अर्ली है, हाँ बहुत अर्ली है, मैं कुछ नहीं बता सकता बिकॉज अभी बहुत अर्ली अपने है। जैसी प्यारी लड़की को ही लेना मतलब है। हाँ उसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फिल्म है, सही बहुत है। बड़ी फिल्म है। अच्छा मतलब इतनी बड़ी फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनी अभी बनी। तक, अच्छा इतनी बड़ी है, और लेकिन आप, उसके लिए इतना ही बड़ा बजट चाहिए, इसलिए हम वेट कर रहे हैं लेकिन ये भी तो अभी। देखो ना कि पाकिस्तान की मार्केट भी तो देखो ना हमारी मूवीज के नहीं उसको हवाले से हम फिर। इंटरनेशनल, उसको हम हाँ बनाएंगे इंटरनेशनल फिल्म अच्छा के ठीक तौर है। पे, बिकॉज जो ग्रेट गामा है वो ऑब्वियसली इंडिया से भी उनका ताल्लुक था, सो वहाँ भी लोग देखेंगे। ऊपर से पंजाबी फिल्म है, तो पूरा एक पंजाबी जो जितना डायस्पोरा है उसको हम केटर करेंगे। आपको और पंजाबी आती है? पंजाबी जी मुझे मुझे भी पंजाबी आती है, बिल्कुल आती है, मैं लाहौर में नहीं, रहता हूँ, पंजाबी जरा आती है बोलो मुझे, थोड़ी सी पंजाबी। पंजाबी इज दस ना। हाँ तो बहुत बड़ी फिल्म है ये, तो असी वेट कर रहे हैं सही टाइम वास्ते कि अच्छा।